गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर। एक बार फिर ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 के क्रैश कोर्स 2 पार्ट 2 के साथ। बच्चों, इससे पहले क्रैश कोर्स 1 हमने देखा है, उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी है। अब जो रिसोर्स है उसको जो है एक अच्छे तरीके से एक लंबे समय तक चलाने के लिए हमें जो है उसको प्लान करके चलाना पड़ता है। किसी भी चीज़ की प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं तो प्लानिंग करने के बाद जब आप उसको काम उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो वो काम के सही होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें भी अपने रिसोर्स को एक प्लान के तहत एक तरीके से यूज़ करना होगा जिससे वो लंबे टाइम तक चल पाए। तो इसके लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद है हमारा प्लानिंग करने के बाद कंजर्व कैसे करें, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। फिर है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि माउंटेन कितना है, प्लेट्यूज कितना है, प्लेन्स कितना है। अब इसकी स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि भाई माउंटेन कितना है। अब माउंटेन अगर है उसको हम समझेंगे, उसके ज्योग्राफी को, उसके टोपोग्राफी को, एरिया के टोपोग्राफी को समझेंगे, उसके क्लाइमेट, उसके प्लेट्यू, उसके प्लेन, इन सबको जब समझेंगे तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे अपना पूरा ब्रेन। अब हमें अपने टोपोग्राफी जब पता होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं। अब आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि भाई लैंड डिग्रेड कर रहा है हर दिन हर सेकेंड, आप लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, लैंड अपने आप भी डिग्रेड हो रहा है, तो इसको कैसे सेव करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, इस पर बात करेंगे। फिर आपका है इसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिन्होंने इन चीज़ों को परेशान किया, तो इसमें मैं लिख पाया हूँ माइनिंग है, ओवरग्रेजिंग है, आपका जो है वाटर लॉगिंग है, एसी ड्रेन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हालांकि ये सब चीज़ें एक बार में बोर्ड पर नहीं आई हैं, तो आप जो है इसकी PDF, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि PDF मांगे, PDF आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक पहला, ये है रिसोर्स प्लानिंग। बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें प्लानिंग करना होता है। हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, खासकर कोल रिसोर्स हो गया, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ लोग जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी तरीके से। अब आप जो है ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वो अपने यहाँ कोल माइनिंग से कोल निकालता है और उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके सारे कोल उसको मिल जाते हैं। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ 33% कोल सिर्फ निकालने में ही बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। 33% यानी 1/3 कोल तो हमारे से बर्बादी में जाता है। दूसरा, रिसोर्स प्लानिंग से क्या फ़ायदा होता है, तो हमें उसको कहाँ यूज़ करना है। रिसोर्स को अगर निकाल लिया हमने, उसके बाद अगर उसको यूज़ ना करें, इसी तरह वेस्ट कर दे तो भी बेकार है। तो रिसोर्स की प्लानिंग करें कि रिसोर्स कहाँ पे रखना है, कहाँ उसका यूज़ है, जितना ज़रूरत है उतना ही निकालें, क्योंकि ये लिमिटेड है बच्चे, ये अनलिमिटेड नहीं है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में जब बात करते हैं, तो कंजर्व करने के लिए, रिसोर्स को बचाने के लिए हमें इन बातों को ही पूरा ध्यान देना होगा कि रिसोर्स जो है कम निकाले जाएं, रिसोर्स जितना इस्तेमाल में आ रहे हैं उतने निकाले जाएं, रिसोर्स जो निकाले जाए उसको हम मैक्सिमम यूज़ करें। अब मैक्सिमम का मतलब क्या है, आपने कई बार जो है, मैं कोल के साथ ही चलता हूँ, देखा होगा, या कोल छोड़ देते हैं, कई बार देखा है कि हमारे यहाँ जो कई चीज़ें हैं रिसाइकल होती हैं। सब्जी सवेरे सवेरे एक भैया आते हैं जो बोलते हैं पेपर बेचो, लोहा बेचो, टीना बेचो। ये भैया करते क्या है, ये जो है इस चीज़ को वापस ले जाते हैं, कंपनियां जो हैं उसको रिसाइकल कर देती हैं, यानी कि दोबारा से उसको रिन्यू करके मार्केट में लाती हैं। आपका पेपर हो गया, पेन हो गया, पेपर है, पेज है, बुक है, कॉपी है, ये सब चीज़ें रिसाइकल होती हैं। इससे क्या है कि नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे क्या है कि हमारा जो रिसोर्स है वो थोड़े लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट, लैंड यूज़ पैटर्न। अब जो इंडिया है, इंडिया में रिसोर्स कई तरीके के हैं, सभी रिसोर्स अलग अलग जगहों से मिलते हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ कौन सा रिसोर्स मिलता है हमें पता है। माउंटेन्स एरियाज हैं, यहाँ भी रिसोर्स मिलते हैं, प्लेट्यूज हैं, इन पे भी मिलते हैं, और प्लेन्स यहाँ भी कभी कभी मिलते हैं। लेकिन अब हमें जो है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, इफिशियंट यूज़ करना है, तो हमें क्या है इसको रीड करना होगा कि हमारे यहाँ कितना माउंटेन है, तो इतना माउंटेन है तो हम यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन में क्या मिल रहा है, जैसे बॉक्साइट मिल रहा है, कई जगह माउंटेन के बीच में जो है एल्युमिनियम का पता चलता है, और भी चीज़ों का पता चलता है। दूसरा, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज पे क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जहाँ से जो है सैंड उसका जो है स्टोन जो है यूज़ होता है ग्रेनाइट के तरीके से। अब प्लेन्स, प्लेन्स का क्या है कि प्लेन्स में बहुत चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इफ़िशियंट है, एग्रीकल्चर यहाँ बहुत बेस्ट होता है। इंडिया में हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब कुछ एरियाज है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर की जाती है, जिससे जो है हमारे यहाँ जो फूड का कंजम्पशन है वो मेंटेन रहता है, नहीं तो हमारे यहाँ स्कार्सिटी ऑफ फूड हो सकता है।
अब जो है लैंड डिग्रेडेशन, बच्चों लैंड डिग्रेड करने का तरीका आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। लैंड डिग्रेड होने की समस्या जो है, जब से हमारे यहाँ HYB सीड्स, आपने क्लास 9 पढ़ा है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, तो कुछ उस समय से ही लैंड डिग्रेड कर रहा है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, HYB सीड्स का, तो इनसे क्या होता है कि बहुत हद तक जो है फर्टिलिटी लूज हो रही है, ख़त्म हो रही है, लॉस कर रहा है। उसके जगह पे अगर हम जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें काउ डंग को यूज़ करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनिमल प्लांट इन सब चीज़ों को करते हैं यूज़, तो उसमें जो है फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अब जो है बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अब सबको जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, और इस मैक्सिमम प्रोडक्शन के चक्कर में ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत सारी डिजीज़ को पैदा कर रही है। डिजीज़ को छोड़ दीजिए, हमारे लैंड का जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड कर रहा है, वो लॉस हो रहा है। अब जो है ये सब बातें तो हैं सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते लैंड ख़त्म ही होते जा रहे हैं, अब उनका यूज़ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं शहर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर मिट्टी पे, हर ज़मीन पे घर बन रहा है, गांव में बहुत सारे इंडस्ट्री लग रही हैं, बहुत सारे मकान बन रहे हैं, एक इंसान उसके 5-5 मकान हैं। एक ज़माना होता था 5 परिवार एक मकान में होते थे, आज जो है एक मकान एक परिवार का कम से कम हर शहर में छोटा मोटा 5 मकान है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को जो है हम कंक्रीट से भरते जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कों पे कंक्रीट आ रहा है, बालू आ रहा है, पत्थर आ रहा है, यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ख़त्म हो के अब जो है वो सिर्फ लैंड बच रहा है जिसपे रोड है, कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं क्या है। उसके बाद है माइनिंग, बहुत ज़्यादा हमारा माउंटेन्स है, हमारा प्लेट्यूज है, उनमें बहुत कोल मिलता है, तो माइनिंग की जाती है। माइनिंग में कई बार जो है लापरवाही होती है, वो जो है कभी कभी जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी सामने आता है, तो उसको कैसे फिल करें, कैसे उसके अंदर सैंड डालते जाएं। अभी बहुत हद तक जो है आपने नाम झरिया का सुना है धनबाद, तो यहाँ सब जगह पे जो है माइनिंग बहुत लंबे टाइम से हो रही है, होती आ रही है, लेकिन अब जाके वहाँ पे जो है, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ पे जो है जिस तरह से माइनिंग निकाल ली जाती है, जब कोल ख़त्म हो जाता है तो उसमें जो है सैंड को फिल कर दिया जाता है। उसके बाद ओवरग्रेजिंग, आपने सुना होगा कि कई जगहों पे जो है बहुत सारे ऐसे जानवरों को रखने वाले लोग जो है ग्रेज करा देते हैं, खासकर माउंटेन एरिया में बहुत होता है। अब चूंकि ग्रास होंगे ही नहीं, ग्रास बचते ही नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी जो है वाटर के साथ इरोज हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है वहाँ पे। इसके बाद हमारा जो है वाटर लॉगिंग, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आप पंजाब, वाटर लॉगिंग, इतना ज़्यादा इरीगेशन है वहाँ पर, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि बहुत ज़्यादा इरीगेशन के चलते भी वहाँ पर मिट्टी जो है यूज़ नहीं आ रही, लैंड जो है यूज़ नहीं हो रहा। अब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड को बहुत परेशान किया है, लैंड को बहुत हद तक जो है बेकार किया है। अभी जो इंडस्ट्रीज के कचड़े हैं, वेस्टेज हैं, इसने ज़मीन को ख़त्म कर दिया, बंजर बना दिया है, पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ा दिया है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, पैकिंग जो भी है, रैपर्स हैं, आप सड़कों पर फेंकते हैं, बाद में आप देखते हैं मोहल्ले में आपकी गाड़ी आती है, कचड़े वाले की गाड़ी आती है, और आप जो है गाना सुन के खुश हो जाते हैं कि भाई कचड़े वाली गाड़ी आई है। तो ये कचरा जाता कहाँ है, ये कचरा किसी न किसी जगह पर डंप होता है, और वो जगह जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता था, जहाँ खेती होती थी, उस जगह को सरकारें जो है, गवर्नमेंट जो है एक्वायर कर रही हैं, और वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके घर का कूड़ा, ये आपका कूड़ा आपके पास का नहीं है, आपने किसी इंडस्ट्री से लिया है, आपने पार्ले जी का बिस्किट लिया है तो बिस्किट खा गए, लेकिन रैपर कहाँ गया, आपने सर्फ एक्सल लिया है, आपने टाइड लिया है, पता नहीं इस तरह से और क्या क्या सामान लिया है, पैकिंग बहुत सुंदर चाहिए आपको, मिलती भी है, लेकिन उस पैकिंग को आखिर तो फेंकना है, और जब ये फेंकते हैं आप, तो यही बनता है डस्ट, यही बनता है कूड़ा, वेस्टेज, और यही कूड़ा जो है लैंड में कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, और लैंड को वो डिग्रेड करता है। फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा लिक्विड में वेस्टेज निकलते हैं, ये भी लैंड को बहुत हद तक डिग्रेड करते हैं। तो ये सब बहुत बातें हैं, आप जो है आप इसके लिए अपने बुक के साथ जाइए, बुक को देखिए, और उस पर जो है देखकर अपने नोट्स बनाइए। हालांकि मैं इसका PDF भेज रहा हूँ, आप जरा सा PDF को देखते हुए उससे मिलता जुलता नोट्स बनाएं। थैंक यू।